The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Bone cancer होता क्या है, कैसे होता है और जानना जरूरी है आपको कैंसर के बारे में क्योंकि कैंसर छोटा बड़ा नहीं देखता, अमीर गरीब नहीं देखता, बीमारी बीमारी है और बीमारी आपको भी हो सकती है। डरने की बात नहीं है दोस्तों लेकिन जानकारी होनी चाहिए बोन कैंसर आपकी हड्डियों में शुरुआत होता है और बहुत कॉमन है आपके लंबी हड्डियों में या फिर आपके कूले की हड्डियों में होना आपके लंबी हड्डियों में यानी आर्म्स की या पैर की हड्डियों में हो सकता है बोन कैंसर रेयर हो सकता है क्योंकि अगर दुनिया भर के कैंसर उठा के देखें तो उसमें से सिर्फ एक परसेंट कैंसर हड्डियों के कैंसर होते हैं इनफैक्ट बोन कैंसर में जो नॉन कैंसरस कैंसर होते हो जो जानलेवा नहीं होते वो ज्यादा कॉमन होते हैं नॉन कैंसरस बोन ट्यूमर्स मच मोर कॉमन देन एक्चुअल कैंसर लेकिन कैंसर जब होता है बोन कैंसर तो वो डेंजरस हो सकता है और अगर कोई एक कैंसर है जो कहीं और पैदा हुआ बोन में नहीं प्रोस्ट्रेट में हुआ लंग में हुआ कहीं और कोलोन में हुआ और फिर बोन में फैल गया तो उसको बोन कैंसर नहीं बोलते बोन कैंसर वो है जो पहले प्राइमरी शुरुआत ही बोन में हुई हो राइट उसको बोन कैंसर बोलते हैं कुछ प्राइमरी बोन कैंसर बच्चों में भी पाए जाते हैं कुछ एडल्ट्स में पाए जाते हैं और सबसे कॉमन इसका जो इलाज होता है वो है ऑपरेशन सर्जिकल ट्रीटमेंट की उस पर्टिकुलर बोन कैंसर हड्डी के हिस्सों को काट के निकाल लिया जाता है लेकिन इसके बावजूद कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी भी बहुत ज्यादा कारगर होती है कई केसेस में अब यह डिसीजन कौन सा कि कौन सी ऑपरेशन होगा सर्जरी होगी कीमोथेरेपी होगी ये डिपेंड करता है किस प्रकार का कैंसर है कितना फैला है और आ, कितनी जल्दी डायग्नोस हुआ है बिल्कुल जैसे बहुत से टाइप्स होते हैं हरेक कैंसर के बोन कैंसर के भी टाइप्स हैं जैसे कॉन्ड्रोसार्कोमा एविंग सार्कोमा ऑस्ट्रियो ये तीन प्रकार के कैंसर के टाइप्स हैं और किसी भी प्रकार का बोन कैंसर हो तो आपको हड्डियों में दर्द होगा आपके अफेक्टेड एरिया जहाँ भी बोन कैंसर है वहाँ पे सूजन आ सकता और टेंडरनेस होगा दबाने से दर्द होगा यहाँ कैंसर होगा तो यहाँ पे कुछ कूले में होगा तो बैठने से प्रॉब्लम आ सकती है हड्डी कमजोर हो जाएगी फ्रैक्चर हो सकता है कमजोरी हो सकती है अन इंटेंडेड वेट लॉस होगा यानी आप वज़न कम नहीं करना चाह रहे लेकिन वजन कम होगा फटीक होगी याद रखिए बोन कैंसर के टाइप्स बता चुके हैं कारण याद रखिए कैंसर एक हेरिडेटरी चीज़ है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है अगर आपके फैमिली में कैंसर है तो आपको है और दुनिया भर में काफ़ी सारे कार्सिनोजेंस हैं काफ़ी सारे कैंसर रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है का कैंसर के कारण हो सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर कारण पिन पॉइंट करना पॉसिबल नहीं है टाइप्स मैंने बता चुका हूं एक है ऑस्टियोसार्कोमा ऑस्टियोसार्कोमा का मतलब है सबसे कॉमन टाइप है बोन कैंसर का बोन ट्यूमर का यहाँ पर कैंसर के सेल्स जो हैं हड्डी खुद बना रही है यानी हड्डी बन रही है कैंसर के सेल्स हड्डी बना रहे हैं गोन बना रहे हैं और इसमें बोन बड़ी होती जाती है राइट ये बच्चों में बड़ों में एडल्ट में कहीं भी कर, इस इस उम्र में ज़्यादा होता है बच्चों में और एडल्ट में और ये आर्म्स में लेग्स में सबसे कॉमन कॉमन होता है लेकिन यहां पर आ, ये बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन में हड्डी से बाहर भी मिल सकता है जिसको हम ऑस्टियोसार्कोमा जिसको एक्स्ट्रा स्केलेटल ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं ऐसा कैंसर जो हड्डी बना रहा है और होता है कॉन्ड्रोसार्कोमा कॉन्ड्रो का मतलब है सेकेंड टाइप है जो कि बना रहे हैं कार्टिलेज ऐसा हड्डी का सेल है जो कार्टिलेज बना रहा है याद रखिए कैंसर का मतलब होता है कि आपकी बॉडी का ऐसा सेल जो नॉर्मली सेल ने अपना काम करना चाहिए वो दुगनी तिगनी चौगनी बहुत ज्यादा तेजी से करा जा रहा है बिना रुके बिना थके और सारी शरीर की ऊर्जा भी लेते जा रहा है और सेल्स बड़े से बड़े से बड़े होते जा रहे हैं शरीर में जगह कम होती है इसलिए वो ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है वो ऑर्गन खराब हो सकता है आगे चल के जान ले सकता है ऑस्टियोसार्कोमा so, हड्डी बना रहा था कॉन्ड्रोसार्कोमा कार्टिलेज बना रहा है और ये सबसे कॉमन आपके पेल्विस में और लेग्स में पाया जाता है यहां पर ये कॉन्ड्रोसार्कोमा मिडल एज में और ओल्ड एज में ज्यादा पाया जाता है थर्ड टाइप है एविंग्स सार्कोमा एविंग्स सार्कोमा आपके पेल्विस लेग आर्म बच्चे और यंग में पाया जाता है रिस्क क्या है एक तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है मतलब अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर होते हैं तो आपको कैंसर का रिस्क है हर कैंसर का रिस्क सेम टू सेम रिस्क नहीं होता है कुछ कैंसर का रिस्क जनरलाइज होता है कुछ स्पेसिफिक होता है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है और दूसरी बीमारियां जैसे कि अगर आपको लीफ्रोमनी सिंड्रोम या हेरिडेटरी रेटाइनो है तो बोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है पेजिट्स डिजीज ऑफ द बोन ये एक कॉमन कंडीशन है जो एडल्ट में होती है पेजिस डिजीज बोन के अंदर एक और बीमारी है जिसमें आगे चलकर कैंसर बन सकता है और रेडिएशन थेरेपी अगर किसी भी तरीके की बीमारी के लिए किसी भी प्रकार का रेडिएशन थेरेपी लंबे समय के लिए इस्तेमाल होती है तो उससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है साथ में जेनेटिक फैक्टर तो होता ही है इसके बारे में आपको पता है इसके अलावा आप बात करते हैं कि इस कैंसर को डायग्नोस कैसे करते हैं याद रखिए अगेन आपकी हिस्ट्री आपका आपकी फैमिली हिस्ट्री आपकी जेनेटिक्स को एनालाइज करके आपका बोन स्कैन बोन के स्कैन से पता चलता है हड्डी कितनी कमजोर है कहाँ पे कोई ज्यादा तो नहीं बन रही है सीटी स्कैन से दिखती है एक्चुअल हड्डी कि उसमें ऐसा तो नहीं कि एक जगह हड्डियां हड्डियां बनी एक जगह कार्टिलेज कार्टिलेज बने जा रहा है ये क्या है ये तो ट्यूमर है ये तो कैंसर है सो so, कई बार एक ट्यूमर यानी एक गांठ नॉन कैंसरस भी हो सकती है बिनाई हो सकती है मतलब वो बड़ी ही ना हो वहां से फैले ही ना वो एक नॉर्मल चीज़ है जो काफ़ी सारे लोगों को कभी कभी हड्डी में थोड़ी सी ये जरूरत है मेरे भी यहाँ पर है तो हड्डी में जरा सी स्वेलिंग होती है दैट डज नॉट मीन कि इट इज अ इट इज़ अ कैंसर ट्यूमर और कैंसर में फर्क होता है कैंसर का मतलब है बहुत जल्दी बढ़ने वाली चीज़ ठीक है एम किया जा सकता है पेट स्कैन किया जा सकता है पेट स्कैन ऐसे आपको याद होगा पूरे शरीर में कहाँ कहाँ कैंसर कैंसरस एक्टिविटी है ये दिखा देता है और एक्सरे में भी हड्डी है तो हड्डी एक्सरे में भी दिखती है याद रखिए जब भी कोई गांठ मिलती है कई बार हम ट्यूमर मिलता है तो कई बार उसमें डायग्नोस करने के लिए इन सुई डाली जाती है सुई डाल के पहले ट्यूमर से जांच होती है कि भाई ये है क्या ये कहीं सिंपल uh, कोई फाइब्रोमा तो नहीं है कैंसर है लाइपोमा है क्या है और कभी कभी उसमें से एक पार्ट या पूरा का पूरा ट्यूमर निकाल के या वो गांठ निकाल के भी देख सकते हैं कि भाई ये है क्या एक बार पता चल जाए किस प्रकार का कैंसर है फिर होती है उसकी स्टेजिंग कि कैंसर का साइज क्या ट्यूमर का साइज क्या स्टेज का मतलब है पूरी पिक्चर क्या क्या क्लाइमैक्स तक पहुंची है क्या पहुंची है कहा नहीं ट्यूमर का साइज क्या है कितने फास्ट ग्रो हो रहा है कितने बोन्स अफेक्टेड है क्या आसपास के हिस्से वर्टिब्रास पाइन अफेक्टेड है या नहीं क्या वो एक जगह से दूसरी जगह कैंसर फैला है या नहीं इन सारी जानकारी को लेके बोन की कैंसर की स्टेज बनती है जो कि रोमन न्यूमरल्स में आती है जीरो टू फोर जीरो टू फोर जीरो मतलब स्मॉलेस्ट स्टेज जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं पूरी तरह ठीक हो सकता है ज़ीरो वन स्टेज फोर मतलब लास्ट स्टेज उसके बाद फिर मोस्टली कुछ नहीं किया जा सकता फिर इंसान का अपने आप ही शरीर जो है धीरे धीरे कैंसर के लिए और ज़्यादा ख़राब होता जाता है ट्रीटमेंट ऑप्शन अगेन डिपेंड करेगा कौन सी स्टेज है और कितनी जल्दी पकड़ा गया कुछ कैंसर जो अर्ली स्टेज में पकड़े सिर्फ सर्जरी करके ही काफ़ी हो जाएगा एक वाइड जो गै सर्जरी में अच्छा खासा उसका रख के थोड़ा गैप निकाल के एक्स्ट्रा टिश्यू निकाल कंफर्म किया जा सकता है कि सारा कैंसर निकाल दिया गया है ऑपरेशन जो है गोल उसका होता है एंटायर कैंसर निकाल लेना राइट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो एक वो इंपॉर्टेंट है बोन कैंसर कभी कभी बहुत बड़े होते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है कई बार ऐसे केसेस में एम्प्यूटेशन यानी कोई एक एक हाथ या पैर का हिस्सा हो सकता है वो काटना पड़ जाए तो बोन कैंसर में ये बहुत रिस्क होता है अगर वो फैला ना हो अगर फैल चुका है तो उसका कोई मतलब नहीं फिर कीमोथेरेपी की जाती है फिर अगर वो फैल चुका है एक जगह से दूसरी जगह या हमें लगता है बहुत ही बड़ा है एरिया जिसको नहीं काटा जा सकता तो कीमोथेरेपी से कैंसर को स्ट्रिंक करने की कोशिश होती है और कैंसर को रोकने की कोशिश होती है कि वो फैले ना और कोशिश होती है कि जो लाइफ है वो बढ़ाया जा सके क्योंकि तो एक एवरेज लाइफ स्पैन अगर देखेंगे हर एक टाइप के कैंसर की तो उनकी स्टडीज होती हैं कि बिना बिना किसी ट्रीटमेंट में एवरेज फाइव ईयर टेन ईयर सर्वाइवल रेट क्या है ट्रीटमेंट के साथ टेन ईयर सर्वाइवल रेट क्या है कि दस साल सर्वाइव करेगा पेशेंट नहीं करेगा और उस दस साल में क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट डिसाइड होता है सो कीमोथेरेपी इज देयर रेडिएशन थेरेपी इज देर रेडिएशन थेरेपी में हाई पावर्ड बीम एनर्जी एक्सरे यूज होते हैं जो कैंसर को मार देते हैं राइट दे कैन बी यूज रेडिएशन थेरेपी कीमोथेरेपी और लास्ट में आपका ऑपरेशन तो so ये तीन तरह की सर्जीज uh, ट्रीटमेंट किए जाते हैं याद रखिए बहुत ही ज़्यादा रेयर कैंसर होते हैं बोन के और जब ये होते हैं तो कई बार आपके सिस्टम में अगर फैल जाते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम आपके हर एक ऑर्गन का फंक्शन अगर मान लीजिए लंग के अंदर हड्डियाँ ग्रो होने लगेंगी हड्डियाँ ग्रो होने की जितनी हड्डियाँ ग्रो होंगी उतना लंग का टिश्यू बेकार होता जाएगा और अल्टीमेटली अगर लंग के अंदर हड्डियाँ ग्रो होगी तो फिर सांस कैसे लेगा आदमी उसके ऊपर अगर कोई छोटा भी इन्फेक्शन हो जाए फ्लू भी हो जाए कोरोना भी हो जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है इसीलिए कैंसर वाले पेशेंट्स और ऐसे ही क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट्स स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को कोरोना से भी रिस्क ज़्यादा है सो अपना ख्याल रखिए बचाव करते रहिए रेगुलर हर साल दो साल में एक बार अपने डॉक्टर से जाके जरूर मिलिए हेल्थ चेकअप जरूर कराइए हेल्थ चेकअप के ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब कौन सा हेल्थ चेकअप करना चाहिए तो हेल्थ चेकअप बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पर टाइप करिए वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए उम्र के अनुसार हेल्थ चेकअप के लिए सो so गाइस ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कैंसर बोन कैंसर की आई होप और बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए वीडियो थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी